नाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। जय रूप सनातन भट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हई ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमती राधा रानी का महिमा है। आज भी उसी धारा में और भी कुछ हम कथा श्रवण करेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न है, बोले तुम लोग बड़े राधे 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 बोलते रहते हो, अरे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए पहले हम हरे मतलब राधा रानी हरे कृष्ण और हमारे आराध्य देवी कौन है श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कुछ लोगों का क्वेश्चन है, तुम लोग तो इतने राधे 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 बोलते हो, अरे ये भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि भागवत कौन सा ग्रंथ है, कहते सारे शास्त्र का मुकुट मणि है। इसलिए सर्व वेद इतिहास नाम सार सार समुद्रतम, सारे वेद पुराण इतिहास का जो निचोड़ है कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। फिर कहते इसमें फिर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं, कारण क्या है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने उसका कुछ कुछ कारण बताए, आज हम इसी विषय पर श्रवण करेंगे। तुम लोग भी इसको नोट कर लेना, सारा जीवन के लिए तुम्हें रहेगा। पहला कारण बताते हैं, जैसे अगर कोई बोले कोई एक राजा आया है, लेकिन अगर बोलते हैं कोई राजा आया है, क्या राजा क्या अकेला आता है, वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ मंत्री कटवाल उसको जितने सैन्य सामंत ये सब के सब आते हैं। लेकिन बोलते हैं क्या राजा आएगा, अगर यहाँ पर मोदी आए मोदी क्या अकेला आएगा, नहीं, उसको साथ में सारे उनको जितने परिकर एसोसिएशन सब के सब पहले आकर उनके लिए व्यवस्था करेंगे, उसको साथ में सब के सब आते हैं। उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कृष्ण का जन्म महोत्सव वर्णना किया है, क्या कृष्ण अकेले आए, नहीं, वो किसको साथ में आए, बोले श्रीमती राधा रानी को साथ में आए। राधा रानी अकेली नहीं, उनका अष्ट सखी अष्ट मंजरी आई, उनको पिता माता धाम साथ में आए, वो अकेले नहीं आए। इसलिए राजा आए मतलब कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण आए मतलब क्या अकेले आए, वो अकेले कभी आते ही नहीं, सपार सदस्य धाम सह अवतरी, सबके सब परिकरों को साथ में वो आते हैं। ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, जब से सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने जा रहे थे, प्रारंभ करने से पहले इन्होंने श्रीमती राधा रानी से वो प्रश्न कर दिए,
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है, ये प्रिया सुख सी भानुजाया, राधा रानी की ये प्रिय सुख है। राधा रानी जिसको अपना हाथ में बैठा करके अनार के दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, और जिन्होंने निकुंज में बिहार का समस्त लीलाओं को दर्शन करती थी, और राधा रानी कभी कभी उनको चुंबन भी करती थी। इसलिए ये राधा रानी का प्रिय सुख है। इसलिए भागवत प्रारंभ से पहले उन्होंने श्री राधा रानी से प्रश्न करते बोले, हे राधे आपका नाम को ये श्रीमद भागवत ग्रंथ में मैं किस रूप में दूं? तो राधा रानी का आदेश है, तो देखो सो मेरे नाम को डायरेक्ट मत दिया करो, अगर मेरे नाम को देना तो मेरे नाम को छुपा करके दिया करो। इसलिए भागवत में देखना कहीं भी राधा रानी का नाम कहीं स्पष्ट रूप में कहीं नहीं, कहीं तो गोपी रूप में है, कहीं लक्ष्मी रूप में है, कहीं बधु रूप में है, कहीं सार रूप में है, कहीं तत रूप में है, हैं? कहीं इंदिरा रूप में है, ऐसे ऐसे ही उन्होंने नाम को उन्होंने दिया है, हैं? ऐसे दिया है। अब बोलोगे जैसे कहीं श्री श्री गोपी रूप में दिया, बोले अब तो खेचातानी करके राधा रानी में लगाते, बोले नहीं, जैसे रामायण है, हैं? रामायण में अगर कहीं श्री शब्द कहीं लक्ष्मी शब्द आता है वो श्रीमती सीता के लिए, वो सीता के लिए हो नाम समझनी चाहिए, सीता के लिए श्री बाल लक्ष्मी बाल रमा शब्द उन्होंने सीता के लिए लगाया है, हैं? उसी तरह जब यहाँ पर श्री कहीं गोपी श्री ये सब नाम आता है भागवत जिसमें कृष्ण का कथा है, तब तो वहां पर दूसरे के लिए क्यों आएगा, वो श्रीमती राधा रानी के लिए ही है, कहते ये दूसरा कारण है। इसलिए तीसरा कारण बताते हैं, कच्चे से मेहंदी पत्ता है, कहते मेहंदी पत्ता देखने में कैसे, तुम कौन देखो सब नोट करो, सारा जीवन पाए रहे हो, हाँ, खाली आखिर दखेला होने कौन सा विषय है ना, नोट कर रखे तो सारा जीवन पाए तुम लग गए पोट गले हरिकथा कहले ये सब कथा कह गए। इसीलिए कहते हैं कि हम क्या बता रहे, जैसे मेहंदी पत्ता है, लेकिन जैसे मेहंदी पत्ता को देखो देखना ऊपर से वो हरी हरी दिखती है, मेहंदी पत्ता रंग कैसे हरा है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या वो हरा है, वो हरा नहीं है, वो लाल है, उसका कण कण में लाल नहीं मां, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, हरा 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 दिखता है, लेकिन उसको क्या करो, बोले उसको पीसो, उसको पीसो, पीसने से तब भी वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन जब हाथों में लगा देते ना माता है भाई, हाथ में जब वो लगा देते यही से लाल बन जाता है, महीना तक धोने पर भी वो लालिमा नहीं जाता है, ऐसे लाल रंग बन जाता है, हैं? कि उसी तरह भागवत ऊपर से क्या दिखता है, हरा हरा कृष्ण 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 दिखती है, लेकिन अगर उसका अंदर में झांक कर देखोगे ना, बोले आत्मा तो राधिका है, वो कृष्ण का आत्मा कौन है, वो श्रीमती राधा रानी, कृष्ण का आत्मा श्रीमती राधा रानी है, इसलिए अंत इसलिए अंदर में श्री राधा रानी। लेकिन उसको बोले पिसना मतलब क्या होता है, कहते उसको पीसो, पिसना मतलब क्या, पिसना मतलब होता है साधन, जब हम साधन भजन करेंगे फिर हम देखेंगे भागवत में सर्वत्र राधे 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 छोड़ करके और उसमें कुछ है ही नहीं, सर्वत्र राधा ही राधा ही मिलेगा है। कहते ये तो श्लोक है, लिख लो श्लोक को, जथा प्रियांगु पत्रेषु, लिख लो जथा प्रियांगु पत्रेषु गुढ़ मारुन्न मिश्यते, गुढ़ मारुन्न मिश्यते, बले श्रीमद् भागवत शास्त्री, श्रीमद् भागवत शास्त्री राधिका तत्व विद्रिशम, राधिका तत्व विद्रिशम है, उसी तरह भागवत में भी राधा रानी का तत्व वैसे ही है, ठीक है। हाँ, कभी ये कितना तीन कारण हो गया, बोले चौथा कारण क्या है, हाँ, कहते हैं बोले श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं भागवत का ये पहला टीकाकार श्रीधर स्वामी कहते हैं, कहते श्री राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी क्यों नहीं लिया,
बोले कारण इसलिए नहीं लिया, कहते उनको 7 दिनों में ही ये कथा सुनाना था, लेकिन अगर एक बार जब वो राधा रानी का नाम लेते थे, वो श्लोक लिख लो, बोले राधा श्री राधा नाम उच्चारण मात्रेण, श्री राधा नाम उच्चारण मात्रेण मूर्छा सर मासिक भवेत, मूर्छा सर मासिक भवेत ना उच्चारित मत स्पष्टम ना न उच्चारित नोचारित मत स्पष्टम परीक्षित थित कुन्मनी, क्या कुन्मुनी कुन्मुनी परीक्षित परीक्षित कुरु कुरुर मुने कुरुर मुनि, ठीक है, इसलिए ये एक कारण हो गया क्यों उन्होंने राधा रानी का नाम को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाने पर फिर कथा कैसे 7 दिन में कथा सुनाएंगे, इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम ग्रहण नहीं किया, ये कारण है। और एक कारण बताए, बोले गोपनाथ लिख लो, गोपनाथ दिष्ट संपत्ति, गोपनाथ दिष्ट संपत्ति सर्वथा परिसिद्धति, गोपनाथ दिष्ट संपत्ति सर्वथा परिसिद्धति कुलाल पुट के पात्र, कुलाल पुट के पात्र लिखा संतर बाष्पतया जथा, संतर बाष्पतया जथा, इसका मतलब है बोले गोपनाथ दिष्ट संपत्ति सर्वथा परिसिद्धति, कहते अगर किसी चीज को है गोपन रूप में रखने पर, जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं काम गायते कृष्ण मंत्र ब्रह्म गायते, नियम किया है, क्या है नियम है, जिह्वा तक भी ये नहीं हिलनी चाहिए, जब मंत्र जप करते हैं, हाँ ये मंत्र जप करने का नियम है, जिह्वा तक भी नहीं हिलनी चाहिए, गोपन में मंत्र उच्चारण करनी चाहिए है, और जो चीज को आप गोपन रूप में रखोगे ना वो चीज सिद्धि प्राप्त होगा, जैसे आपके पास में हीरे जवाहरात असर पिया होगा, दुनिया में थोड़ी बोलते रहोगे मेरे पास में हीरे जवाहरात असर पियो है, थोड़ी दुनिया बल्कि परिवार में भी सबको ये बात नहीं बताओगे, हमारे पास में इतनी संपत्ति है, उसको गुप्त रूप में रखोगे है, इसलिए एक उदाहरण दिया है, जैसे आप देखे होंगे जैसे भाटी में जैसे ईट को रंग करते हैं, ईटा को रंग करते हैं, और जैसे कुम्हार लोग पात्र को रंग कैसे करते हैं, अंदर में सारे जो मिट्टी का पात्र रख लेते हैं और उसके अंदर में लकड़ी कोयला जो है ना दे देते हैं, पर ऊपर से पूरा उसको लीप देते हैं, पूरा पोत देते हैं, जैसे उसमें हवा तक भी नहीं निकले, ईटा भाटी देखे होंगे जब जलाते हैं ईटा लाल करते हैं चारों तरफ एकदम पोत देते हैं, जैसे कुछ हवा तक भी नहीं निकले, फिर अंदर में आग लगाते हैं, लगाने पर क्या होता है, फिर अंदर में जलते 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 एकदम वो ईट लाल बन जाता है, कुम्हार जो पात्र को देखा ना तो लाल बन जाता है जलते जलते है, कहते उसी तरह यहाँ पर उदाहरण देते हैं, ठीक उसी तरह अगर मंत्र को गोपन रूप में अगर हम रखेंगे तो फिर वो मंत्र सिद्धिदायक होगा, इसलिए नियम क्या है, ये मंत्र सबको नहीं बोलनी चाहिए है, फिर मंत्र सबको बोलोगे तो मंत्र शक्ति नष्ट हो जाता है, उसी तरह जो राधा रानी का जो नाम है वो कौन है, राधा रानी हृदय की प्राण धन है, कृष्ण का हृदय की ये प्राण धन श्रीमती राधा रानी, इसलिए नियम है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं बोलते थे है, ये एक कारण है, और एक कारण बताए, बोले श्लोक लिखो, बोले परक्ष बादारिषय
परोक्षम च प्रियम परोक्ष पादा परोक्ष पादा ऋषय परोक्षम च प्रियः प्रिय परोक्ष च प्रियम लिखा परोक्षवादा ऋषय परोक्षम प्रिय। हाँ देखो कदि जो ऋषियों का साधुओं को जो परोक्षवाद उनको अच्छा लगता है, हैं? परोक्षवाद मतलब होता है अगर किसी बात को बोले वो बात को डायरेक्ट नहीं बोल करके वो चीज को घुमा करके बोलने के लिए उनको प्रिय लगता है। गुरुदेव इसका उदाहरण देते थे जिस समय राम लक्ष्मण सीता उनको प्यास लगा और पानी पीने के लिए पहुंचे एक कुएं में, एक गांव का था बस चुप रहो, इसलिए उन्होंने पानी पीने के लिए किसी कुएं में पहुंचे। जो कुएं में पहुंचे इतने में जो वहां पर माताएं थी इनकी पानी पिला रही थी और माताओं का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अभी सीता जी को पूछे तुम्हारी कसम कौन है, जो दो लड़के राम लक्ष्मण दोनों थे ना, बोले तुम्हारे पति कौन है। इतने में सीता कहती है बोले ये जो लक्ष्मण है ना ये मेरे देवर है और ये जो है ना इनका बड़े भैया है, समझ गए कि नहीं, कहती ये लक्ष्मण ये जो ये मेरे देवर है और इनका बड़े भाई है। बोलना हो गया कि नहीं, राम मेरे पति है लेकिन ये छोटे भैया ये मेरे देवर है और ये इनके बड़े भाई, बोलना हो गया। लेकिन इसमें जो मिठास है ना डायरेक्ट बोलने पर उसमें इतना मिठास नहीं रहता। कहते उसी तरह कहते जब ऋषि मुनि लोग कहते परोक्षवाद को मतलब किसी बात को डायरेक्ट नहीं बोल करके किसी बात को घुमा करके बोलने का उसमें उनको प्रिय है। जैसे एक स्त्री है, हैं? एक स्त्री को देखना जब बड़ी सुंदर घूंघट खींच करके रास्ता में अगर चलती है ना सारा दुनिया देखेगी कैसे देखने कैसे देखने कैसे देखने, लेकिन जो एकदम केस खोल करके हाँ बिना शर्म के बेशर्म होकर के बिना केस खोल और बिना घूंघट के केस खोल करके हाँ पकड़ जैसे चल रहे रास्ता में उनको कोई देखेगा नहीं, है उनको कोई नहीं, कितने सुंदर की उन्हें कोई नहीं देखेगा, लेकिन बड़ी काली कलौटी दांत निकली हुई भले ही कोई छुकी हुई नहीं हो अगर घूंघट खींच कर रास्ता में चलते होगी ना बोले ये कैसे देखने है। इसलिए जो चीज छुपा करके जो चीज को रखा जाती है वो चीज बहुत सुंदर दिखता है। इसलिए कहते जो ऋषियों का एक नियम है वो परोक्षवाद को घुमा करके किसी बात को बोलने का उनको, इसलिए उन्होंने भागवत में राधा रानी का जो नाम है डायरेक्ट रूप में कहीं नहीं बोले, ये कारण है। और एक श्लोक लिखो कहते लीला सुकस्य लीलयम् लीला सुकस्य लीलयम् लीलान्याश्चोपवर्णिता कलोलीनं स्वरूपेण रासं कूप जलोपमं। लिख लिया हाँ? हो गया कि नहीं, रासम कुपम जलोपम। देखो क्यों राधा जी का नाम भागवत नहीं, इसका कारण बताए। कहते राधा रानी की जो भक्ति है एक कुएं का जैसे पानी है राधा रानी की, और कृष्ण कथा कहते जैसे एक बहता हुआ नदी जैसे बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक चिड़िया भी पी सकता है, एक जानवर भी पी सकता है, एक इंसान भी पी सकता है, लेकिन जिस कुएं में अगर पानी हो वो पानी को सब नहीं पी सकते। वो पानी को कौन पी सकता है, जिसको पास में कोई रस्सी कोई पात्र हो ना तभी वो पानी को कोई पी सकता है, लेकिन बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं। इसका मतलब क्या, पर जो कृष्ण जो कथा है कृष्ण जो भक्ति है वो एक बहता हुआ नदी है। इसलिए हमारे भारत में कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जय श्री कृष्ण कल कृष्ण को भजन करने वाले, जैसे बल्लभ कली लड्डू गोपाल को पूजा करने वाले, राधा जी को नहीं,
मगर लड्डू गोपाल को पूजा करने वाले हैं। इसलिए कहते जो जैसे वो बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते, मतलब कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन राधा जी का भक्ति सभी नहीं कर सकते। राधा रानी का भक्ति कैसे? कुएं का पानी जैसे। कुएं का पानी कौन पी सकता है? जिसको पास में कोई रसी कोई पात्र होना, वही व्यक्ति ही कुएं का पानी को पी सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? बोले कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन राधा जी का भक्ति सभी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? बोले जिसको पास में रसी और पात्र। रसी पात्र मतलब कहते जब तक कोई शुद्ध रसी की परंपरा में, जब तक कोई शुद्ध रसी परंपरा में नहीं आएगा ना, तब तक कोई कृष्ण कोई राम कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक कोई रसी की परंपरा में नहीं आएगा है। इसलिए जो जैसे बहता हुआ जैसे नदी का पानी, कोई स्नान कर रहे हैं, गैया को नहा रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पानी बहता हुआ जाता है, लेकिन कुएं का पानी में क्या होता है? एकदम निर्मल ठंडा, देखो ठंडा निर्मल, उसमें कोई मिलावट नहीं मिलेगा, एकदम प्योर पानी मिलेगा। कहते उसी तरह जो राधा जी की जो भक्ति है, कहते ये एकदम प्योर भक्ति है और उसको वही कर सकता है जो कोई रसी परंपरा में आएगा है। इसलिए भागवत में इसलिए राधा जी का नाम कृष्ण दशम स्कंध, देखो पूरा कृष्ण 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 कथा, पूरा कृष्ण कृष्ण कथा भागवत में आएगा है। लेकिन राधा जी का भक्ति क्यों नहीं दी गई? बोले इसलिए राधा रानी का भक्ति कुएं का पानी, ये कह रहा है। और गोपनीयम, तब यहाँ पर प्रश्न फिर प्रश्न आता है, कहते प्रेमाग्नि युक्त किशोरी गोपियम है। इसलिए कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्री राधा रानी का एक राधा रानी की और श्री गोपियों के नाम को लेते थे, कहते राधा रानी गोपियां कैसे हैं? कहते जो कृष्ण प्रेम की हैं, कहते कृष्ण प्रेम रूपी जो अग्नि में ये एकदम तपे हुए हैं, कृष्ण भक्ति प्रेम अग्नि में एकदम तपे हुए हैं। इसलिए कहते सुखदेव गोस्वामी जब इनको प्रेम को स्मरण करते थे, इनको स्मरण करते ही जैसे राधा जी गोपियों के अंदर में प्रेम की अग्नि, कहते बिड़ा फिर नवकाल कुटता गर्भ से निर्वासन, कहते उनके अंदर में जो विरह कैसे हैं, बोले नए कालकुट चहर को भी मात करने वाली उनकी विरह हैं। इसलिए वो विरह हैं, जब सुखदेव गोस्वामी इनको विरह की बात चिंतन करते थे उसी समय ये भी कृष्ण प्रेम में एकदम विरह में व्याकुल हो जाते थे हैं, कृष्ण प्रेम में ये व्याकुल हो पड़ते थे। इसलिए इन्होंने कहते उनका नाम लेने के लिए उनका हिम्मत नहीं हुआ और उनका प्रेम को स्मरण करने के लिए इन्होंने हिम्मत नहीं हुआ। इसलिए जैसे उद्धव जी गए लेकिन रहने क्यों, चले आए क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, बोले भैया मेरे बस की बात नहीं, इनके अंदर में जो प्रेमाग्नि है ना, ऐसे प्रेम अग्नि इसको मैं धारण नहीं कर सकता, मेरे में इतना ताकत नहीं। इसलिए वो गए, देखा महिमा को गाए, लेकिन वो वापस चले आए मथुरा, वहां पर रहे नहीं हैं। इसलिए ये जो गोपियों की जो प्रेम है, राधा जी का प्रेम को बोला गोपनीयम 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 प्रयत्नत। कहते इनको जो प्रेम को बताया क्या है, इनका प्रेम है गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, कहते इसको गोपनीय रखनी चाहिए। कहते कारण है राधा रानी का प्रेम है दुर्लभ है, ब्रह्मा कृष्ण कृष्ण के लिए भी कभी कभी राधा जी का प्रेम दुर्लभ है, इसलिए बोले इसको गोपनीय गोपनीय रखनी चाहिए। फिर प्रश्न करते हैं, फिर क्यों, फिर इसको फिर प्रकट क्या है, हैं? कहते सुखदेव गोस्वामी भागवत जैसे उनका रासलीला है, वेणु गीत है, जुगल गीत है, फिर वहां पर प्रकट क्यों किया है? बोले कारण यही है, व्यास दास अब प्रकट बाखान तो डारो में बाहर। इसलिए कहते हैं, कहते जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, नच शास्त्रम नच युक्ति नच लोभत पति कारणम। कहते लोभ ऐसे की चीज है, अगर जिसको लोभ हो गया भक्ति को पाने के लिए, कहते जो लोभ है ना, नच शास्त्र नच युक्ति, कहते ये शास्त्र और युक्ति को
ये अपेक्षा नहीं करती हैं, ये युक्ति और शास्त्र का अपेक्षा नहीं करता। अगर किसी के अंदर में लोभ अगर आ गया तो, इसलिए श्री कहीं कहीं पर उन्होंने राधा जी जैसे महिमा गोपियों की महिमा को कहीं कहीं पर उन्होंने प्रकट कर दिया है। कितना करना हो गया? आठ करना हो गया ना। हाँ, इसलिए इस सब कारण से सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, आ जाओ, आते ठीक समय है, तब 20 मिनट बोल सकता हूँ, तब 20 मिनट हो जाएंगे। कल फिर हम सुनेंगे भागवत में राधा जी का नाम कहाँ कहाँ पर है। आप अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदिशि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मैं अपने गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा वांछे करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधन महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरुवर्ग गुरुदेव शिल भक्ति वेदांत जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पारष्टोत्र भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्ट अष्टोत्र सतसी श्रीमद भक्ति शिल सिद्धांत गोस्वामी महाराज नित्यला प्रविष्ट विष्ट अष्टोत्र सतसी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी महाराज समेत सोपार्षद प्रभुपाद अनंत कुटी वैष्णव वृंद के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। एवं तत्पश्चात उपस्थित गुरु भ्रातृ वृंद वैष्णव वृंद समस्त के चरण में अधम का यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हम कल से श्रीमद राधा रानी की महिमा को गुरु वैष्णव के मुख से विशेष रूप में श्रवण कर रहे हैं, और यद्यपि श्री राधा रानी का जो तत्व है श्री राधा तत्व वो बहुत गंभीर है, और बड़े बड़े गोस्वामी लोग भी इसका मतलब निष्कर्ष में जयदेव गोस्वामी पाद भी क्या किए ना अपने गीत गोविंद में अपने देहि पद पल्लवम उदारम राधिका इसमें क्या किया ना उनका लिखनी रुक गया था। तो इतना तत्व गंभीर है तो पता है ना 15 मिनट बचा है 15 मिनट बचा है वृंदावन तम नंबर आसवनी कह यदि कहवा इच्छा अच्छी काली यदि कहीपर कह इच्छा यदि कह असुविधा नहीं नोट कर लो। अब इतने गंभीर तत्व जो श्री बुद्ध इतने कम तुमने कहते 2-3 वर्ष भीतर तुम जा कर लेने ना हम मैंने बहुत वर्ष पर तुम जा सकते तमान को बहुत तुम जो चेष्टा करो से जानी आप पाई सीखा भी बहुत बड़ी तो चिंता नहीं एक के थर सुना आगे वर्ष इतने गंभीर तत्व है जिसके लिए उद्धव जी को शास्त्र में बताया गया कि विष्णु नाम प्रवरो मंत्री
कृष्णस्थ दैतस्थ तथा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवम बुद्धस्थ उत्तमम। ये विष्णु में जो मंत्री है और कृष्ण दैत सखा है, ये कृष्ण का क्या है ना, परम प्रिय भी है, दिखने में कृष्ण के जैसे लगते हैं, और शिष्य बृहस्पति साक्षात ये इनका बुद्धि तो देखो कि ये इस सारे संसार में इनके लिए कोई योग्य गुरु नहीं मिला, तो ये क्या किए ना देवलोक को गए और देवलोक में बृहस्पति को अपना गुरु रूप में वरण किया और उनसे शिक्षा प्राप्त किए। उद्धव बुद्धि से सप्तमम, ऐसे जो उद्धव है वो भी राधा रानी को जो भाव को देखते हैं तब वो डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं और स्तुति करने लगते हैं, और राधा रानी की स्तुति नहीं करते हैं, राधा रानी के चरण की भी स्तुति नहीं करते हैं, और राधा रानी के गोपियों को जो चरण धुनि उसको प्राप्त कैसे करे, उसी भाव में स्तुति करते कि असाम चरण रेणु जुसाम वृंदावन की गुलम लतोषिधि नाम, कि जो गुलम लता है उसी उसमें वृंदावन में कहीं भी जो गुलम लता है उसमें से मुझे एक घास के रूप में प्रभु आप क्या करो ना, मुझे वहां पे प्रकट मुझे बास दो, क्योंकि जो राधा रानी की जो सहचरी मंजरी और जो गोपी गोपी लोग उस रूट में उस घास के ऊपर जब जाएंगे तो उनके चरण धूलि पाके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तब ऐसे जो उद्धव जी है और इतने भगवान के प्रिय होते हुए ऐसे महाभाव को जान नहीं पाए, और लेकिन हम ऐसे बद्ध जी श्री राधा रानी की महिमा को गुणगान करना हमारी दुष्टता ही है, लेकिन हमारे ऊपर भी विशेष कृपा है कि हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, कि हमने बहुत सारे मठों में तो देखे हैं कि बहुत सारा चीज है कि बहुत सारे मठों में क्या होता है ना, बहुत सारा विशेष विशेष रूप में ध्यान देता है, जैसे कि प्रसाद कीर्तन, लेकिन कथा में और विशेष विशेष जो गंभीर तत्व है और जो गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है ये हमारे वेदांत समिति हमारे गुरुदेव के मठ में ही देखा जाता है, ये हमारे गुरुदेव की वैशिष्टता है, और गुरुदेव नहीं आते तो हम ये राधा रानी की महिमा बाकी जैसे मठ में है इतना तो चर्चा नहीं होता, मैं जितना अपने अनुभव से घूम के देखा हूँ हमारे गुरुदेव के मठ में होता है, क्यों ना हमारे गुरुदेव लोह उत्पन्न कर देते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी देखते हैं कि बोलते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है, एम क्या है, बोल देते हैं कि वो झट करके बोलते हैं कि कोई कुछ कुछ बोलता है हमारा लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना ये वो, लेकिन गुरुदेव बोलते नहीं हमारा लक्ष्य है राधा दाश्यम को प्राप्त करना, ऐसे गुरुदेव की जो लक्ष्य है, और गुरुदेव को भी हम कैसे जान पाए ना, हमारे गुरु जी के माध्यम से, हम गुरु जी नहीं रहते तो गुरुदेव को विशेष रूप में हम नहीं जान पाते, तो ऐसे जो गुरुवर्ग हमारे ऊपर कृपा किए और हम इसी गौड़ीय वैष्णव धारा में आए तो ताकि हम कुछ कुछ राधा रानी के भाव और जो पूर्व आचार्य जो लोग जिन्होंने उनके महिमा को गुणगान किए उसको बस किंचित स्पर्श ही करेंगे, यही इतना ही हमारा अधिकार है। अब श्री राधा रानी की महिमा, अब श्री राधा रानी की महिमा को जानने से पहले उनके स्वरूप को जानना बड़ा मतलब क्या है ना, उनके स्वरूप को जानना बड़ा आवश्यक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका स्वरूप क्या है, चैतन्य चरितामृतम में बोलते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्माद एकात्मना अपि भूविपुरा देह भेदम गतोतु। ना जो राधा रानी है ये क्या है ना, कृष्ण के जो प्रणय विकृति मन अर्थात जो लादिनी शक्ति है उनसे प्रकटित हुए, कृष्ण के जितना भी प्रेम है जितना भी भाव है उसी भाव को किया गया, उसी प्रेम को क्या है कृष्ण ने एक मूर्तिमान स्वरूप में परिवर्तित कर दिया, और वही श्रीमती राधा रानी है, और ये क्या है ना देह वेदम गतो तो एकात्मनम अपि, इनके शरीर अलग होने पर भी ये एक ही है, राधा रानी और कृष्ण एक ही है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है उनको सारे शास्त्र में क्या कहा गया है ना, उनको परम करुण परम रसिक और परम रस तत्व और परम रस क्या ना परम रस रस के जो मूल है ऐसे बताया गया है, लेकिन कृष्ण को सारे शास्त्र में पूर्ण बतलाया गया है, जैसे बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये पूर्ण ब्रह्म सनातनम होने पर भी इनके अंदर लोभ रह गया, अब ये पूर्ण ये लोभ क्या है, अगर ये पूर्ण होते तो इनके अंदर लोभ ही नहीं रहता, इसका मतलब ये अपूर्ण है, तो इनके अंदर ये लोभ क्या है, बोलते हैं कि एक समय श्री बिलाव कुसुमांजलि में एक दृष्टांत दे रहे हैं कि एक समय श्री ठाकुर जी ने कुसुम सरोवर पे श्री राधा रानी के साथ बैठे हुए थे, अब इतने में क्या हुआ कि एक भ्रमरा में उस समय आया तो प्रेम सरोवर अच्छा प्रेम सरोवर
कृष्ण एक जगह पे बैठे हुए थे, तब इतने में क्या हुआ ना, एक भ्रमरा में भ्रमरा वहां पे आया, तो श्री कृष्ण ने क्या किया ना, मधुमंगल के तरफ इशारा करके बोले कि मधुमंगल इस भ्रमरे को यहाँ से भगा दो। तब मधुमंगल ने क्या किया, उस भ्रमरे को वहां से भगाया और बोल दिया कि मधुसूदन यहाँ से चले गए। बस इतना सुनते ही राधा रानी मूर्छित हो गए। अब जो कृष्ण बैठे हैं वहां पे, उनके गोद में राधा रानी मूर्छित होके गिर गए। तो अब कृष्ण सोच रहे हैं, अरे जो रस के सारे तत्व भी मेरे अंदर है और मैं ही क्या हूँ, पूर्ण रूप में हूँ, और ये क्या है। वो कृष्ण समझ में नहीं आया कि राधा रानी मूर्छित क्यों हुए, ये कौन सा भाव है, और राधा रानी कैसे मूर्छित हुए ना, हा कृष्ण, और विरह भी कैसा है, हा कहा वृंदावन, कहा गोपेंद्र नंदन, कहा से वंशी वदन, कहा से त्रिभंग ठाम, कहा से वेणुगान, कहा प्रभु मदन मोहन। ये भूल गए कि वृंदावन में होके भी ये भूल गए कि मैं वृंदावन में हूँ। कहा वो गोपेंद्र नंदन, वो कहाँ चले गए, और कहाँ से बंसी वदन, वो बंसी बजाने वाले वो कहाँ चले गए, और कहाँ वो त्रिभंग ठाम में खड़े हुए, और कहाँ से वेणुगान करके सबको मन को मोहित करने वाले वो मदन मोहन और वो मधुसूदन कहाँ चले गए, ऐसे भाव है। तो एक साथ में राधा रानी के अंदर क्या हुआ ना, जो अष्ट सात्विक भाव, जो स्वेद कंप अश्रु होके जो प्रेम और जो भाव का पराकाष्ठ महाभाव, ये क्या हुआ, और उसके जो अंतिम दशा मूर्छित, वो एक साथ में देखा गया। तो कृष्ण यहाँ पे पूरा आश्चर्य हो गए कि लादी निर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावे र पराकाष्ठ नाम महाभाव, जो महाभाव से भी जो ऊपर उठ गए, जो मूर्छित हो गए। अब कृष्ण सोच रहे हैं इनके अंदर ऐसा कौन क्या हो गया कि ये मूर्छित हो गए। तो इनके अंदर श्री स्वरूप दामोदर उनके कर्चा में लिख रहे हैं कि श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यम बाने वाषादम इनाद्भुत मधुरिमा की दृश्यम व मदीय स्वाख्यम चास्य मद अनुभवतम की दृश्य वेति लोभात। ये तीन लोभ उनके हृदय में उत्पन्न हुआ कि क्या श्री राधा का जो प्रणय महिमा वो कैसा है, कि वो जो विरह में भी क्या करते हैं ना, आनंद का अनुभव करते हैं और आनंद में भी विरह का अनुभव करते हैं, वो कौन सा मधुरिमा है कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे चले जाने श्रवण मात्र से ही वो क्या किया ना, इतना विरही हो के मूर्छित हो गए, वो मधुरिमा कैसा है। और क्या है ना, बानाए वाशा दो इनाद्भुत मधुरिमा की दृश्योवा मध्यम, जो मेरे मधुरिमा को इतने रूप में आस्वादन करते हैं, जरा मुझे तो पता चले कि वो मेरे जो मधुरिमा को क्या करते ना, आस्वादन करते हैं, वो मेरा मधुरिमा कैसा है, मेरा भाव कैसा है, क्योंकि वो भाव और कृष्ण स्वयं अगर नहीं आस्वादन करेंगे तो कभी भी कृष्ण को पता नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं तीसरा क्या है, न स्वाख्यम चास्य मद अनुभवत कीदृश वेति लोभात, न ये लोभ उत्पन्न हुआ, और क्या लोभ उत्पन्न हुआ कि राधा रानी को मेरे सेवा करते हुए कितना सुख प्राप्त हुआ, और वो सुख प्राप्त करके राधा रानी कितने आनंदित हो जाते हैं, और वो सुख का जो विच्छेद होता है, राधा रानी कितना विरह करते हैं, वो विरह कैसा है, वो सुख कैसा है, इसको प्रदान करने के लिए इसको लोभ से, ये तीन लोभ से क्या हुआ ना, कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए। अब जब पूर्ण भगवान कृष्ण होने पर भी सारे शास्त्रों में बदला गया कि भगवान पूर्ण है, फिर भी उनके जो इच्छा रह गया इसलिए वो अपूर्ण है, और अपूर्ण होने पर भी ये क्या किया ना, पूर्ण होने की जब इच्छा रखे तब क्या हुआ, ये सचिनंद सची गर्भ सिंधु हरिंदु सची माता के गर्भ में क्या हुए ना आए, कि सचिनंदन गौर हरि के रूप में आए। तब यहाँ पे कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं कि हे राधिके, कि मुझे आप अपने ये अंग कांति को दे दो, और ये अपने आपका जो भाव है उसको आप क्या करो ना, मुझे दे दो, और इसको मैं आस्वादन करना चाहते हूँ। अब राधा रानी बोल रहे हैं, अच्छा श्याम सुंदर, आप इसको आस्वादन कर सकते हो, लेकिन बिना गुरु के इसको कोई भी आस्वादन नहीं कर सकता, इसलिए आप क्या करो ना, आपके पास भाव तो होगा, लेकिन वो भाव को जो देखा है, जो पराकाष्ठ रूप में उसको क्या किए ना, उनके संग में है, उसका अगर संग नहीं होगा तो उसको, गुरु का अगर संग नहीं होगा तो आप क्या करोगे ना, उस भाव को होने पर भी आस्वादन नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया ना, आप क्या करो, मेरे जो ललिता और विशाखा सखी, इनको आप ले जाओ, और यही गौर लीला में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद प्रभु में, प्रभु के रूप में इनको राधा रानी ने भेज दी। अब श्रीमन महाप्रभु ने जितने भी सखी के साथ, राधा रानी की जितने भी सखी श्रीमन महाप्रभु के रूप में, अब महाप्रभु के समय में गौर लीला को पुष्टि करने के लिए सब अवतीर्त, सब क्या हुए ना, अवतीर्त हो गए, यहाँ पे धराधाम पे आ गए लीला करने के लिए। अब
श्री महाप्रभु ने किया गया ना, राधा रानी का जो भाव है उसको तीन रूप में आस्वादन किया। एक होता है हमारे गुरुजी बताते हैं, उस दिन बताए थे, विश्वभानु नंदिनी और संभोगिनी और वियोगिनी। इसका तो बहुत सारा बात है, इसको और नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। अब श्री रामानंद राय ने जब गोदावरी के तट पे श्री कबूर पे हम गए हैं, वहाँ पे महाप्रभु के पास पीठ पे जहाँ राय रामानंद संवाद हुआ है गोदावरी कबूर में, गुस्पदा वारिस घाट भी बोलते हैं उसको, उसी घाट में जब किया गया ना महाप्रभु के साथ उनके जो कथोपकथन हुआ, तो उसमें महाप्रभु ने बोले कि शास्त्र के जो सर्व साध्य वस्तु और साधन तत्व का निर्धारित करो। तब श्री रामानंद प्रभु ने क्या किया ना, सारे शास्त्र के जो वर्णाश्रम से लेके पूरा पूरा सारे शास्त्र के निष्कर्ष बताते गए और महाप्रभु मना करते गए, यही बायो आर के हो बोलो कि ये नहीं है, ये शास्त्र का भाव नहीं है, ये साधन तत्व नहीं है, ये तत्व नहीं है, और कुछ बोलो। इतने करते करते जब स्वरूप धाम राय रामानंद प्रभु ने क्या किया ना, गीता के अंदर प्रवेश किया और गीता में प्रवेश करके गीता के जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं भज इसको भी बोल दिया, तब ये भी सुन के महाप्रभु ने बोला कि ये भी नहीं है। तब श्रीमन महाप्रभु के भाव को देख के क्या किए ना रामानंद प्रभु ने श्रीमद् भागवतम में प्रवेश किया, और श्रीमद् भागवतम में जो रस है वो भी ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर को किस भाव में गोपी लोग और ब्रज के वासियों लोग सेवा करते उसी भाव के तारतम्य को बताते गए कि जो शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर भाव है, ये जो पांच रस है उसमें जो शांत है, शांत में क्या करते हैं ना निष्ठा रखते हैं, जैसे कृष्ण के प्रति विशेष रूप में निष्ठा रखते हैं। क्या ना, जब कृष्ण बन में गोचरण करने के लिए जाते हैं उसी समय धूप होता है, तो धूप के कारण क्या होता है जो शांत रस में सेवा करते हैं वो जो लता पता वृक्ष वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं निष्ठा के होने के कारण कृष्ण के आगे क्या होते हैं ना झुक जाते हैं कि ताकि कृष्ण छाव में चल सके। और इससे भी श्रेष्ठ दास्य भाव जिसमें ममता रहता है, निष्ठा भी रहता है और उसके साथ ममता भी रहता है, और उसके भी जो क्या है ना श्रेष्ठ भाव है रस है वो है साक्ष्य रस, उसमें क्या है निष्ठा भी है ममता भी है और एक अपने एक भाव है जो निसंकोच भाव है। निसंकोच भाव क्या है, छले वाले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, कृष्ण के मुख से जोर जबरदस्ती क्या करते हैं छल से और बल से क्या करते हैं मधुमंगल लड्डू को खा लेते हैं और अपने उच्चिष्ट दे देते हैं और कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं और क्या करते हैं ना स्वयं कृष्ण को ऊपर चढ़ जाते हैं और स्वयं कृष्ण को ऊपर बिठा लेते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं, यही तो साक्ष्य रस है, निसंकोच भाव है। और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ भाव है वो है वात्सल्य भाव, जिसमें पाल्य भाव है उसमें निसंकोच भाव भी है और उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना भाव अर्थात पाल्य भाव है। पाल्य भाव क्या है, ये जो जशोमती मैया ये सब वात्सल्य भाव में कृष्ण को सेवा करते हैं, ये सब सोचते हैं कि हम अगर कृष्ण को नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, कृष्ण को वस्त्र परिधान करेंगे नहीं, कृष्ण के लिए माखन प्रस्तुत करेंगे नहीं, कृष्ण के लिए भोजन करेंगे नहीं, तो ये भूखे रह जाएंगे, ये गंदे हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे भाव है, ऐसे ऐसे सोच के वो सब क्या करते हैं ना उसी रूप में सेवा करते हैं। और उससे भी जो श्रेष्ठ भाव है वो है मधुर भाव, इसमें क्या है ना शांत का निष्ठा, दास्य का ममता, साख्य का निसंकोच भाव, वात्सल्य का पाल्य भाव और अपने एक भाव है सर्वांग सेवा भाव, ये गोपियों में विशेष रूप में देखा जाता है। ये क्या करते हैं, पाल्य करते हैं, कृष्ण को अच्छे अच्छे सुंदर श्रृंगार करते हैं, इनके अंदर निष्ठा भी है और इनके अंदर ममता भी है, निसंकोच भी है, निसंकोच रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अपने सारे अंगों को क्या करते हैं न्योछावर कर देते हैं कृष्ण के सेवा में। तो समय हो गया, तो ये तो बहुत सारा है, अगर कल हो सके तो यहीं से कल पाठ करेंगे। वाशिंदुवे जपतितानुं पावनं भूयो विष्णुं पुरुषं नमः।